सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दानिया मिश्रा ब्लॉगर्स। आप लोग आए हो बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस ये अष्टमी के दिन का ब्लॉग, अष्टमी और नवमी दोनों दिन, मतलब वो आधे दिन से नवमी नहीं लग जाएगी, तो इस वजह से मैं अभी जस्ट अभी नहा के आई हूँ। तो मैंने सोचा चला ब्लॉग आज शूट करती हूँ थोड़ा सा, तो मैं नहा के एकदम फिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था उस दिन अष्टमी वाले दिन, क्योंकि मेरा बच्चा भी जग गया था, तो इस वजह से तो मैं जल्दी जल्दी फटाक से सब कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने आधी अधूरी तैयारी कर ली थी और आधी अधूरी तैयारी करनी अभी बाकी है मेरी। तो यहाँ पे मुझे उठ उठ के देखना पड़ रहा था बार बार अपने भैया को। तो गाइस ये देखिए, हमारी पूजा वूजा होने के बाद में पूरा श्रृंगार करके एकदम रेडी हो चुके हैं हम, और मंदिर भी गए थे, पूजा करा है वहाँ भी। ये आलता, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या दिखा रही हूँ पैर, तो मैं दिखा रही हूँ, मैं रंग भी लगा चुकी हूँ क्योंकि आज है अष्टमी और अष्टमी वाले दिन पूरा श्रृंगार होता है माता रानी का भी और खुद का भी। तो यहाँ पे एकदम तैयार हो चुके हैं, यहाँ पे बाबू का लगा हुआ बिस्तर क्योंकि बाबू की हम जा रहे हैं मालिश करने, पूजे जा रहे मेरे बाबू। ये देखो चलते चलते यहाँ पे बाथरूम के अंदर आई हूँ, भैया का जो रहा है गरम गरम पानी, भैया को भी नहलाएंगे। आज अष्टमी सिर्फ 12:30 बजे तक की है, उसके बाद में नौमी लग जाएगी, और हमारे यहाँ हरदम तो नौमी को ही हवन होता है। तो मेरे बाबू का गर्म पानी हो जाए आज नसीब, तो उसके बाद में लगा देती हूँ। मैं आप सबको दिखाऊंगी कन्याओं को देने के लिए ये क्या लाए हैं। आखिर मैं अपनी मर्जी से नहीं लाई हूँ, आपकी ये लाए हैं अपनी मर्जी से। सो हम जा रहे हैं नहलाने के लिए भैया को, फिर उसके बाद में आपसे मुलाकात होती है। ओम हरिओं मा ओम नाथ्यामृतमृतांतरालोकान्वेद्यामे पुनः तीन बार फिर घी चढ़ाऊंगा। ओम ह्रीं विश्ववाच स्वाहा। ओम हरिओं मा देवा सुस्तमद्भुत पूर्ण शतम शतंबरा महिषे सदाधिपे देवानां च पुरंदरे स्वाहा। अग्रादय महावीर देव संयम बजायित जित्वा शिखला देवा निद्रो वन्मय सदा स्वाहा। सदापराजा देव पद्मनी प्रजापति पुरस्तुता शुणतजो स्वाहा। सदावृतम महिषासुर रेडी। आप लोग सोच रहे हैं कहाँ के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मैं हंसों को बता दी, शाम के टाइम का है, शाम के टाइम का रेडी है। नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैंने यहाँ की पूजा नहीं की है, यहाँ की पूजा दीदी कर रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो इससे तो इन्होंने कहा कि चलो दर्शन कर लो चल के माता रानी के, माता रानी आती हैं, तो मतलब मैंने सोचा चलो ठीक है चलो दर्शन कर लेते हैं चल के। तो कुछ श्रृंगार का सामान भी वो लोग देंगे, तो हम मतलब सुहाग लेंगे जाके। ये भी रेडी हो चुके हैं छोटे साहबजादे। और मेरे साथ मेरी ननद चल रही है, और हम हैं, मेरा भैया है, और ये हैं साथ में। तो और अभी आप सबको ये भी बताऊंगी कन्याओं को दूंगी क्या मैं, तो कन्याओं को देने के लिए भी मैंने ले चुकी हूँ। तो अभी कुछ सामान मंगवाना है बाकी है, बट बाद में मंगवाऊँगी, अभी तो पूरी रेडी हो चुकी हूँ, रेड कलर की साड़ी। सो गाइस अब आप सबसे मिलते हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा ब्लॉग शूट कर लिया तो ठीक है, वरना मैं घर आके बताऊँगी। दिन भर का इतना बाहर दो बजे मैंने चाय पी है, 2 बजे मतलब इतना हवन हवन हुआ पूरे घर में, सब धुआं ही धुआं भर गया, इस वजह से ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि बहुत धुआं हो गया था इस वजह से।
और चाय वाय उसी में सब बनाई मैंने, धुएं में ही, मतलब हवन का ही धुआं। तो ये लोग तो भाग गए थे सामने वाले घर में, लेकिन मैं तो मुझे मेरा तो काम ही है, मतलब ये सब करना है, चाय बनाना और नाश्ता करवाना। सो गाइस हम लोग तैयार हो गए और आ चुके हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। लास्ट दिन था तो सुहाग की चूड़ी भी देनी थी इन सबको, तो इस वजह से हम लोग और आ गए। तो एक जगह और गए थे हम लोग, मतलब दो जगह गए थे हम लोग, धर्मशाला गए थे फिर दर्शन करने के लिए। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या बताऊँ मैं आप सबको, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। माता रानी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आ गए, क्योंकि कृष्णा का है जन्मदिन, और क्योंकि तिथि के हिसाब से उसका अष्टमी को हम लोग मनाते हैं। ऐसे तो मतलब केक और पार्टी शार्टी करनी होती तब तो हम लोग डेट के हिसाब से मनाते हैं। 21 अक्टूबर को उसका होता है बर्थडे, लेकिन तिथि के हिसाब से सिर्फ रोचना लगता है, परिवार के ही लोग होते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं रोचना करने के लिए भैया का, और इस बार मैंने उसको अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दिया है। तो क्योंकि एक्चुअली आप सबको सच बताऊं, बहुत जल्दी जल्दी मतलब ये सब, मतलब आप सबको अब छोटा बच्चा है तो कुछ करने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे ही पता है। मैं जितना काम करती हूँ, मैं तो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, मैं जितना काम करती हूँ उतना कोई कर नहीं सकता है मैं। तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है थोड़ा सा अपने बाबू की वजह से। तो मैं अपने बच्चे की, इस बच्चे के लिए भी कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ, उसको रुपीज़ दे दे रही हूँ अभी के लिए, बस इतना ही कृष्णा, बाद में आपको और भी ज़्यादा मतलब गिफ्ट दूँगी, ओके। तो माता रानी दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे अपने कृष्णा के जन्मदिन मनाने चले आए हैं। आयुष मिश्रा, गाइस अब जाके मैं फ्री हुई हूँ अपने काम से, क्या करूँ एक्चुअली आज मेरे सिर दर्द की वजह से मैं पूरा ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। दिन भर तो मैंने, आप लोग ये सोचते होंगे कि उनका सिर क्यों दर्द होता रहता है, क्या पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि इतना सिर दर्द क्यों होता है। मुझे एकदम से सिर इतना दर्द होगा कि मेरी आँखें खुली तक नहीं, ज़बरदस्ती खोलनी पड़ती मुझे आँखें, इतना सिर दर्द होने लगता है। तो जैसे कि आपने देखा कि माता जी की गई थी मैं श्रृंगार का सामान, मतलब वो लोग ने पूजा जैसे पूरी हो जाती। गाइस अब आप सबसे मिल नहीं हूँ मैं इस टाइम पे, 11 बजने जा रहे हैं, मेरा भैया सो चुका है, मतलब सो गया है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा और सो ले, मैं भी सो लेती हूँ, मतलब अब ये ना हो कि सुबह ये जल्दी उठ जाए। मैं 4 बजे उठने वाली हूँ सुबह, और ये भी मेरे साथ ही उठ जाए 4 बजे, में दिक्कत बहुत भी हो जाएगी, बिल्कुल कल को कन्या खिलाई जाएंगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। वैसे तो मैंने सोचा है कि मैं दही जलेबी खिलाऊंगी, क्योंकि एक सो गाइस ये है दशहरे दिन का ब्लॉग, और मैंने अष्टमी नवमी और दशहरा सब तीनों का मैंने एक में ही मिला दिया है, क्योंकि एक जो बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग हो जाता है मुझे एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी हुई है दशहरे वाले दिन, और अब मैं जा रही पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ, मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्लॉग नहीं शूट किया, थोड़ा थोड़ा शूट करते थे एडिट करने की दिक्कत ना हो मुझे, और आप सबको भी अच्छा लगे ब्लॉग मेरा। तो यहाँ पे ये कन्याएं आ गई हैं, मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं। ओ तुम क्यों क्यों बैठी हो? ये देखो बैठे जाके, वही देखो मेरी तैयारी, आज मंदिर नहीं जा पाए अभी हम। और कन्याओं को देने के लिए ये है गिफ्ट, ये सारे हैं पढ़ने वाले, ये सब देंगे कन्याओं को। तो गाइस ये है मेरे माता रानी की थाली, और कन्याओं को देने के लिए बनाना गर्री
और माता मतलब टीका लगेगा कन्याओं को। इस बार हम दही जलेबी खिला रहे हैं, जलेबी और दही, फिर माता रानी को भोग लगाएंगे। प्यारी कन्याएं, अभी कम है, अभी कितनी कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीन कन्याएं कम है, अभी एक लंगूर कम है, तीन कन्या एक लंगूर कम इसमें। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में जलेबी है, तो हाँ क्योंकि इस बार मैंने सोचा लो दही जलेबी के खिलाती हूँ कन्याओं को, तो इस वजह से, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि नवमी वाले दिन हवन होता था तो दसवीं वाले दिन खिलाते थे कन्याओं को, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ गई, तो इस वजह से व्रत रहने के बाद मतलब फिर उसके बाद में मतलब कन्याओं को मतलब ऐसे नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो मैंने सोचा लाओ दही जलेबी मंगवा के अपना व्रत का थोड़ा पारण करूँ। और दीदी ने पूरा खाना बनाया था, कि मतलब खीर पूरी दही सब मतलब बनाया था, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मैं थोड़ी सी हेल्प नहीं करवा पाई थी दीदी की, तो मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं वही खाना खिलाऊँ कन्याओं को, तो मैंने सोचा चलो अलग से ही दही जलेबी मंगवा के खिला देती हूँ मैं कन्याओं को, उसमें क्या हो गया। ओके सो आगे का ब्लॉग भी अच्छा आप लोग देखिएगा, थोड़ा थोड़ा ब्लॉग मैंने शूट करके डाल दिया है, आई होप कि आप सबको पसंद आया मेरा ये ब्लॉग। ओके सो गाइस, अब आई है गिफ्ट की बारी, तो यस जैस कि आप देख रहे हैं कि गिफ्ट में हम क्या दे रहे हैं कन्याओं को, तो इस बार हमने दिया है टेबल पढ़ने वाली, जो आप चाहें भी कहीं भी रख सकते हैं, मेज पे रख सकते हैं या फिर आप मतलब बेड पे रख सकते हैं, तो कहीं पे भी रख सकते हैं, इसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस बार मैं नहीं गई थी मार्केट कन्याओं के लेने के लिए, हर साल तो मैं ही लाती हूँ बट इस बार नहीं जा पाई, इस बार मेरे पति परमेश्वर जी गए मार्केट करने के लिए, तो ये वही लाए, लेकिन बहुत अच्छा गिफ्ट, इतना अच्छा तो मैं भी गिफ्ट नहीं ले सकती, मैंने तो इतना तक सोचा तक नहीं था कि ये मैं मतलब दूंगी कन्याओं को, लेकिन मेरे पति परमेश्वर जी लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा और कन्याएं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी ये देखकर टेबल। खोलने के लिए